morning guys and welcome back to our channel Precha Vlogs. टाइम चेक कर लो, 8:20 या 25 मिनट, ये घड़ी 5 मिनट आ गया, 8:20 हो रहे हैं और आपका भाई नहा धो के ऑल सेट हो गया है क्योंकि भाई यस आज है मंडे, फिर से अपने को जाना है ऑफिस बराबर। तो चलते हैं फटाफट नीचे, देखते हैं रुचा ने क्या यार यम्मी यम्मी डिलीशियस डिलीशियस नाश्ता बनाया हुआ है, चाय नाश्ता करते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं हम। तो भाई रुचा क्या बना रही है, ये भाखरी बना रही है भाई, देखो एक तरफ भाखरी बन रही है, एक तरफ चावल रेडी हुआ पड़ा है और ये देख ये अपनी बनेगी बटर मिल्क वाली रोटी, है ना। देख मेरे को पता चल गया ना तू क्या नाश्ता बनाने वाली है। लो जी बन के आ गई हमारी बटर मिल्क वाली फ्राई रोटी, है ना। चलो सही है, अभी बैठ के करते हैं नाश्ता। आपका भाई हो चुका है ऑफिस जाने के लिए रेडी और अभी आज थोड़ा बहुत एक आध रूम चेंज करना है, तो आप लोग देखो रुचा आज पूरे दिन कितना काम करती है क्या करती है। मैं चला ऑफिस, मिलता हूँ आपको सीधा ऑफिस से आके। प्रेरक सर तो चले गए हैं ऑफिस, अभी अपन है घर पे अकेले, मम्मी पापा आशु कोई नहीं है, मैं दादा एंड चाचू, हम तीन ही अकेले, चाचू भी काम पे गए तो मैं और दादा दोनों अकेले हैं घर पे। तो अभी ये जो आपको बाहर से आवाज आ रही है वो हमारे घर में जो रिनोवेशन है अभी तक खत्म नहीं हुआ उसकी आवाज। मम्मी का रूम है वो पूरा टूट रहा है, फिर से बन रहा है, तो इसको करते है बंद ताकि सारी डस्ट रूम में ना आ जाए। मम्मी के रूम का पूरा सामान इधर शिफ्ट हो गया है, ये है मम्मी की, ये है पापा की और वो है आशु की, तीन ये डबल बेड था वो दो दो पार्ट में अलग अलग था, तो एक पार्ट इधर एक पार्ट मम्मी के रूम में, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो पूरा हॉल ऐसे भरा पड़ा है, अभी तो इधर भी कलर करवाना बाकी है, वो सब भी होएगा धीरे धीरे सब होएगा। सारा खाना बन गया है, दाल सब्जी चावल सब, और रोटियां अभी बनानी बाकी है वो मैं बनाऊंगी। और ये बना रही हूँ मैं दादा के लिए, ये शीरा, घी डाल दिया इसमें, अभी इसमें डालते हैं पानी, मस्त स्मेल तो आ ही रही है। चलो थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल देते हैं, शुगर भी डाल दी है, अपना शीरा रेडी है, बस इसमें से अभी थोड़ा थोड़ा घी छूट जाए तो कम्प्लीट शीरा रेडी। आज तो बहुत दिनों बाद माइक और मिनी मेरे हाथों से ना रहे, क्यों बेटा आशु गई है बात, अभी ये लोग मेरे हवाले है। रूम की हालत है ना बहुत ही गंदी पड़ी हुई है, तो पहले इसको साफ करते हैं। सिर्फ बेड नहीं सारा रूम गंदा पड़ा हुआ है, आपको दिखाऊं क्या, ये देखो ये कबाड़ा भर के रखा हुआ है प्रेरक ने, मैं जाती हूँ ना तो बस उसका यही होता है। अभी इसको साफ करते हैं पहले, ये सब भी साफ करना। देखो बैग उसकी वहां पे पड़ी हुई है, उसका टुवाल इधर है, जीन्स इधर है, सब बिखरा पड़ा है, एकदम से सही कर दिया सारा सामान, वहां पे भी था और सभी जगह पे था, ये सब भी सही कर दिया मैंने, मेरा वो भी सही कर दिया और जो अंदर वाला था तहस महस ये भी सही से समेट कर रख दिया, ऑल सेट। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने क्योंकि सुबह से इतना काम है, तो समर है तो सोचा कि सारा काम निपटा के ही नहाने जाऊं क्योंकि फिर गर्मी इतनी लगती है। अभी 1:30 बज रहे, पता नहीं घड़ी क्यों बंद हो गई, अभी इसमें 9:45 बज रहे है, घड़ी को चल रही है लेकिन 9:45 बज रहे, अभी बज रहा है एक्चुअली में 1:30 बज रहा है दोपहर का। तो अभी अपने चलते फटाफट से नहाने, उसके बाद सो जाते आराम से क्योंकि थकान हो गई है आज पूरी। प्रेरा का ना पूरा रूम इतना गंदा कर दिया था ना, मत पूछो बात, छोड़ो यार। तो मेरा बाथिंग डन हो गया है और 2:30 बज रहे, तो अभी कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर सो जाएंगे, उसके बाद 4:30 बजे उठते, दादा को चाय देते और अपने भी चाय पी लेते, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, फोन यूज करूंगी और कुछ नहीं करूंगी, नींद तो नहीं आएगी अभी। और प्रेरक भी जल्दी आने को मना कर रहा है, उसको भी ऑफिस में बहुत सारा काम है, बोल रहा है मेरे को लेट ही होगा आने में, मैंने बोला कोई बात नहीं जी लेंगे अकेले। लेकिन प्लीज जल्दी आना, बोर हो रही हूँ मैं तेरे बिना। 4:15 बज रहे, मैं सो के उठ गई, अभी चाय बनाते हैं, दादा को चाय देते हैं, फिर अपने भी चाय नाश्ता करते हैं। अभी चाय, ये थोड़ा सा चीज बाइट एंड ये क्या है पास्ता। ये लेके थोड़ा चाय नाश्ता करने में, तो जस्ट टीवी ऑन किया, अभी जेठालाल ऑन करूंगी। रामू काका की ड्यूटी प्रेरक की थी, अभी अपने हाथ चोला उठा के दूध लेने को जा रहे हैं,
और आज इतनी मतलब बारिश हुई थी कल अहमदाबाद में, तो आज तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप है। ऐसा वेदर नहीं है कि बारिश होएगी या फिर कहीं पे बारिश गिर रही होगी, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये लेके आ गई मैं दूध, और ये मेरा एक वीक का कोटा एक वीक चलेगा ये दही मेरे को, ये आ गया। अभी अपने को कोई टेंशन नहीं है। कल मैंगो का जूस बनाया था, मतलब कि आमरस बनाया था, तो वो पड़ा हुआ था। और मैंगो का जूस मतलब कि आमरस में और प्रेरक कम ही खाते हैं, तो मैंने उसमें मिल्क डाल के मैंगो मिल्क शेक बना दिया। अगर इसकी भी रेसिपी जाननी है तो कमेंट करना, बाकी ये तो बहुत ईजी है, सबको आता होगा। को कट कर दिया है, अभी रख देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में, ताकि वो ठंडी हो जाए, उसके बाद खाने का मजा आएगा। मैंगो का मिल्क शेक बनाया और वो ठंडा होने के लिए रख दिया। मैंगो कट की उसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया, और ये गरम मैंगो भी मैं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैंगो देख के ना रहा ही नहीं जाता, मैं खा ही लेती हूँ सीधे। और एक पुरानी वाली सीरियल आ रही है थपकी प्यार की, तो वो भी देख रही हूँ। बस ऐसे ही आई थी, देख रही थी कि यार ये मिरर और ये लाइटिंग कैसी लगती है, तो ओह माय गॉड इतनी मस्त लगती है। इधर पीछे तो स्टोर रूम बनाया ना, वहाँ पे थोड़ा सा कर्टेन लगा देंगे, पर्दे लगा देंगे, तो ये बहुत ही मस्त हो जाएगा। फिर बाकी ये राउंड शेप वाला मतलब ओल शेप वाला मिरर एंड उसके ऊपर लाइट, और ये है हमारा हैंड वॉश का डिब्बा। मस्त लग रहा है यार। फ्री बैठी थी और बोर हो रही थी, तो सोचा क्या करूं, तो फिर ये गार्लिक को मैंने कूट डाला, कूट 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 डाला मतलब कि गार्लिक को चॉप कर दिया। और ये है टोमेटो की प्यूरी, मतलब कि टोमेटो को मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड करके ऐसे प्यूरी बना दी। अभी इन दोनों की मैं चटनी बनाऊंगी कूट कूट के, बहुत ही तीखी तम तम थी, लहसुन एंड टोमेटो की चटनी। चलो लेट्स मेक इट। तेल गरम हो तो तुरंत ही उसके अंदर डाल दो पहले तो लहसुन, अभी वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद प्यूरी डालो उसके अंदर, और प्यूरी ध्यान से डालना, ऐसी होती है देखो। मसाले में उसके अंदर डालेंगे भरपूर लाल मिर्च, फिर उसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट। ये थोड़ी इसमें सॉल्ट ज़्यादा ही डालने का, क्योंकि ये चटनी है तो वो थोड़ी सी मीठी होती है, मतलब कि थोड़ी सी सॉल्टेड होती है, तो मज़ा आता है रोटी के साथ भी खाने का और खिचड़ी के साथ भी खाने का। अभी इसके ऊपर भी जब तक तेल आए तब तक इसको गर्म होने दो, मतलब कि पकने दो, ताकि जो टोमेटो की प्यूरी वो पूरी तरीके से टोमेटो पक जाए, पूरी तरीके से कच्चे ना रह जाए, तो पूरा ऊपर ऑयल आ जाएगा, उसके बाद अपनी चटनी रेडी है। ये ऊपर से तेल आ गया ना वहाँ पे सारा, तो ये अपनी चटनी अभी रेडी है। बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे ना कि आप रेसिपी नहीं बताते, लो आज मैंने ये वाली रेसिपी आप लोगों को व्लॉग में ही बता दी, बना के कमेंट करना कि किन किन लोगों ने बनाई। मम्मी पापा का रूम था, नीचे से टाइल्स भी निकाल दी, और यहाँ पे बन रहा है टॉयलेट एंड बाथरूम, और आशु का रूम भी पूरा तहस महस हो गया है। जोरों शोरों से पवन आ रहा है, इतना ज्यादा आंधी आ रही है ऐसा लग रहा है, और पूरा धूल धूल कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें आपको ना दिखेगा, लेकिन वहां पे इतनी धूल दिख रही है ना मेरे को यहीं से ही। और ये देखो यहाँ पे इधर उधर इधर इधर सारा कचरा, वहां से इधर यहाँ से उधर ऐसा हो गया है पूरा। ये देखो वो बेचारे आंटी की तो साड़ी या दुपट्टा क्या है उड़ रहा है, अरे बाप रे बाप, लगता है आज इधर बारिश होने वाली है। कल अहमदाबाद में हुई थी ना, लगता है आज इधर होने वाली है। मेरी आंखों में धूल चली गई, ओ माँ, पानी पानी हो गई मेरी आंखें भी, इतनी धूल चली गई मेरी आंखों में, सर सिर्फ इतना शूट किया उतने में इतनी सारी धूप चली गई आंख में। प्रेरक को है ना ये वाली अनियन बहुत पसंद, ये वाली रील अभी जस्ट मुझे उसने शेयर की, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए बना देते, तो उसमें उसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे गोल गोल अनियन को कट कर लिया, और उसके अंदर आइस डाल दिया और थोड़ा वाटर डाल दिया, आधे घंटे तक इसको ऐसे छोड़ देने का, फिर अनियन निकाल देने की किसी और बॉल में, या फिर इसी बॉल में से ये सब निकाल देने का, पानी एंड बर्फ दोनों, और उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और थोड़ी अगर आपको चाहिए तो चाट मसाला भी डाल सकते हो, इतनी यम लगती है ना, और ये इतनी क्रंची क्रंची सी हो जाती है ना बर्फ के पानी के अंदर। अभी जस्ट उसने मेरे को रील भेजी तब मुझे याद आया, अच्छा चलो आज फ्राई खिचड़ी बनाई हुई है आज मैंने, मस्त मसाला मार के खिचड़ी है, वो जो चटनी बनाई थी वो, और ये वाली ऑनियन। 10 बज रहा है, और जो सुबह मैंने मैंगो शेक बनाया था वो मैं और प्रेरक, चीयर्स।
आ गए डिनर विनर सब कंप्लीट करके फिर से रूम में। हाँ मैंगो शेक भी पिया, रुचा ने बनाया था भाई, बहुत अच्छा लगा। और आज वैसे तो मेरा भी दिन बहुत अच्छा गया, ऑफिस में भी सब काम वाम अच्छे से हो गया, जितनी डिलीवरी विलीवरी निकालनी थी वो सब डिलीवरी भी निकाल दी। रुचा ने भी पूरा घर का पूरा लुक ही चेंज कर दिया, मतलब हॉल एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि वाह हमारा हॉल कितना बड़ा है, आज लगा कितना छोटा है, और ऐसा लग गया कि साला आजकल चलने की भी जगह नहीं है, ऐसे वो भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया उसके जैसा आ गया। और आज की व्लॉग की डेट अगर आप लोगों को पता होगी तो भाई आज है 29th of May 295। सिद्धू मूसे वाले को आज के दिन टिश्क्यों हो गया था, तो मैं हाँ हंस के बोल रहा हूँ। जिस दिन ऐसा हुआ था ना उस दिन हम लोग प्री वेडिंग पे गए, प्री वेडिंग से रिटर्न हो रहे थे, मेरे को अभी भी याद है वहाँ पे सामा ख्यारिया करके ऐसी कोई जगह पे वहाँ पे ट्रैफिक में रुके हुए थे, और एकदम से रुचा ने या किसी ने बोला कि ये भाई, मैं लिटरली गाड़ी ऐसे रुकी हुई थी, मैं शॉक हो गया था, मेरे को है अब भी। और जस्ट उसके 6 दिन बाद या 7 दिन बाद उसका नया सॉन्ग रिलीज होने वाला था, लास्ट राइड सॉन्ग तो हो गया था। उसके बाद एक SYL करके सॉन्ग था वो 6 तारीख को, उस टाइम पे मैं ऐसे उसके सॉन्ग नहीं सुनती थी, लेकिन इसके साथ आए ना तब से, अभी तो मैं सिद्धू मूसे वाला मेरी प्लेलिस्ट में भी वही दिखता है पूरा भाई, वो मीनिंगफुल सॉन्ग बना, मीनिंग जब से पता चले मेरे को तब से मेरे को सारे पंजाबी सॉन्ग पसंद आते हैं। मैं टचवुड बोलता हूँ, जिन जिन को पंजाबी सॉन्ग के लिरिक्स पता चलेंगे ना उसके बाद उनको पंजाबी सॉन्ग ही पसंद आएंगे। क्या होता था पता है, अभी भी कुछ सॉन्ग में ऐसा होता है, जैसे कि रूबिकॉन ड्रिल है, इसको मैंने पूछा भाई इसका मतलब समझा मेरे को, उसने समझाया मेरे को, हाँ वाइब है यार इस सॉन्ग में भी, देख के जिटिया वो वाला है भाई सॉन्ग है, बट कोई नहीं अभी जो था बाकी भाई उसके सॉन्ग। आज की डेट में भी मेरा प्लेलिस्ट भी चेक करोगे, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से रिटर्न आता हूँ, सिर्फ उसी के गाने चलते हैं, और कोई पंजाबी गाना भी मेरे में नहीं चलता है, ओनली सिद्धू मूसे वाला चलता है, क्योंकि आधे पौने घंटे का रास्ता है ऑफिस से घर का, घर से ऑफिस का, वही चलता रहता है। बट चलो कोई नहीं, जो होने वाला तो हो गया, रेस्ट इन पीस नहीं बोलूंगा, रेस्ट इन पावर बोलूंगा सिद्धू मूसे वाला को, क्योंकि उसको पीस पसंद नहीं थी, उसको पावर ही पसंद था असला अगर किसी को समझ में आता होगा तो वो पंजाबी वर्ड है एक। बट चलो कोई नहीं गाइस, अगर आपको आज का ये छोटू सा व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।